लोजपा रामविलास की ओर से मिलर स्कूल में 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। जयंती समारोह मनाने के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया। देखिए आज बिहार प्रदेश के सभी से पिछड़ा समाज के पदाधिकारी की बैठक है। पार्टी पदाधिकारियों से हमारे हमारे नेता आदरणीय भूपेश बाबू को विधायक समाज के नेता उपस्थित हैं। डॉक्टर सत्यानंद शर्मा हम लोग का अभिभावक उपस्थित हैं। हम लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोक जनशक्ति पार्टी का अभ्यास के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज पासवान जी की स्मृति में हम लोग मनाने जा रहे हैं। वर्षों वर्ष से हमारे पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब मनाते आ रहे थे। कोरोना के समय में कार्यक्रम छूट गया था, इसलिए आज हम लोग मिलर हाई स्कूल के मैदान में 14 अप्रैल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पिछड़ा समाज के बैठक एक ही विभाग के छात्र विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक लगातार जारी है। पिछले दिनों आपने देखा है कि हम लोगों ने पार्टी की बैठक की थी, काफ़ी संख्या में हम लोगों ने कार्यकर्ता का आह्वान किया। 25 से 30 हज़ार कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और क्या उस दिन बिहार से हर जिले से लोग हमारे पार्टी के पदाधिकारी आएंगे। जो जनाक्रोश है आज हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को जो 12 जनपद के बाहर फेंक दिया, अपमान किया, उसके खिलाफ भी लोगों में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। काफ़ी भारी संख्या में जुट कर आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार अभी मैं नाम नहीं ले लेता हूँ। यादव जी, पुष्पति कुमार पारस जी, प्रिंस राज जी जा रहे हैं बोचहान प्रचार करने के लिए। जो लोग अपना नाम के आगे पासवान लगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, शर्म आती है। आप देख लीजिए पुष्पति कुमार पारस, प्रिंस राज, मुस्कान राज, प्रिंस राज, पासवान लगाने में भी शर्म आता है। वो लोग पासवान जाति की वोट मांगने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता आदरणीय पृथ्वीराज पासवान जी के साथ पूरे बिहार का पासवान समाज, दलित समाज, पृथ्वीराज समाज, स्वर्ण भाइयों और सभी लोग हमारे नेता के साथ जुड़े हुए हैं। और भारी संख्या में 14 अप्रैल को मिलर हाई स्कूल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्थापना जयंती समारोह। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।